तो गुरु 2025 आ गया है, और अगर आज भी आप कोडिंग सीख रहे हो या डेवलपर हायर कर रहे हो अपनी नई वेबसाइट बनाने के लिए, तो भैया आपको एक नोबल प्राइज मिलना चाहिए उल्लू बनने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में वेबसाइट बनाना इतना आसान हो गया है कि खुद AI भी बोलेगा कि भाई और कितना आसान करूं, एक लाइन बोलो पूरी वेबसाइट रेडी। और आज की वीडियो में मैं जिस AI के बारे में बताने वाला हूं, ये AI तो बाकी सब AI का बाप है, क्योंकि इस AI में कुछ ऐसा फीचर है जो बाकी AI में नहीं है। जैसे कि इस AI के थ्रू आपकी एक फोटो अपलोड करके उस तरह का वेबसाइट बना सकते हो, या फिर किसी भी वेबसाइट का URL कॉपी करके इसे प्रोवाइड करके बता सकते हो कि आपको इस टाइप का वेबसाइट बनाना है, या तो आप इसमें प्रॉम्प्ट भी लिख करके उस वेबसाइट बना सकते हो। और इस AI का सबसे खास बात यह है कि ये जो भी वेबसाइट बनाएगा वो काफी ऑप्टिमाइज वे में और एरर बिल्कुल जीरो होगा, मतलब फुल पैसा वसूल बहुत। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल फ्री में होगा, मतलब आप इसमें फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, उसे अपलोड कर सकते हो, उसे होस्ट कर सकते हो, उसे शेयर कर सकते हो, या तो उसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर कहीं भी यूज कर सकते हो, या तो फिर आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। मतलब फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, फ्री में नॉलेज ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस फ्री में से चाय मत मांग लेना वरना ये लात मार के निकाल देगा। इस वीडियो में जिस AI के बारे में हम लोग बात करने वाले, उस AI का नाम है रैपिड AI। भाई ये एक AI नहीं, तुम्हारा पर्सनल कोडर है। आप इसे किसी भी टाइप का कमांड दे सकते हो और ये एक ऐसा कोड लिखेगा जैसे कि बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर लिखता है बिना किसी गलती के। और अगर मान के चलो कि आपको किसी और का वेबसाइट पसंद है, आप उस टाइप का वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उसका लिंक कॉपी करके आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो एंड इसे कह सकते हो कि ले भाई इंस्पिरेशन लेकर के बिल्कुल ऐसे ही वेबसाइट बना, आइए कुछ मिनट्स के अंदर आपको उसी वेबसाइट की तरह बना करके दे देगा। ये मैंने जितना बोला ये सब तो थ्योरी बोला हूँ, अब प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलो दोस्तों प्रैक्टिकली में देखते हैं कि बिना कोडिंग सीखे कैसे वेबसाइट बनाया जा सकता है। तो मैं आपको ले आया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, और याद रहे कि जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये वेबसाइट मोबाइल के लिए भी वर्किंग है, डेस्कटॉप के लिए भी वर्किंग है, मैकबुक के लिए भी वर्किंग है, हर जगह के लिए वर्किंग है। और साथ ही में इसका एप्लीकेशन भी आता है जो कि आप मोबाइल में डाउनलोड करके और काफी इजी वे में बना सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, तो जाकर आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आना है एंड यहाँ पे सर्च करना है रैपिड। तो जैसे आप रैपिड को सर्च करोगे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा कुछ इस टाइप से देखने को, उसको बस ओपन करना है आपको। जब वेबसाइट ओपन हो जाए तब आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहां पर अगर आप राइट साइड कॉर्नर पे देखो तो यहाँ पर साइन अप एंड लॉगिन का बटन है, तो हम लोग साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। साइन अप के क्लिक करने के बाद हम लोग एक अपना अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपको replit.com पे आ जाना है एंड यहाँ पे एक फ्री अकाउंट बनाना है। अगर फ्री नहीं बोले तो मेरा नाम यहाँ पर बता देना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एक अकाउंट बना करके दे देगा, क्योंकि तुम्हारा भाई का नाम है भाई शायद से बना देगा। तो बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ गाइस, जैसे ही मैंने आप साइन अप किया वहाँ पर मैंने गूगल से अपना साइन अप कर लिया है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एक अकाउंट बनाकर दे देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं वेबसाइट का लोड हो जाने का। तो गाइस जब वेबसाइट लोडिंग हो जाएगा तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ कि AI एजेंट और AI में क्या फर्क होता है, डिफरेंट बिटवीन क्या है। AI जो है वो आप कोई भी सोल्यूशन उसको देते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो वो तुरंत आपको सोल्यूशन दे देता है बिना कुछ सोचे। लेकिन एक AI एजेंट जो होता है वो बहुत कुछ सोचता है, समझता है आपने क्या बोला है, उसके बाद वो आपको सोल्यूशन देता है। मतलब मान के चलो आपने किसी डेवलपर को हायर किया, डेवलपर पूछता आपसे कि क्या चेंजेस करना है, ये चेंजेस करना है कि नहीं करना है, वो हर एक सवाल पूछता है। तो इसी बिल्कुल उसी तरीके का है AI एजेंट, बिल्कुल आपका पर्सनल कोडर की तरह। तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको एक AI देखने को मिल जाएगा कि आपको क्या बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हो एंड यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर सकते हो, और आप यहाँ किसी का URL भी पोस्ट कर सकते हो प्रॉम्प्ट के अंदर। अब मान के चलो मैं एक इमेज प्रोवाइड करके दूंगा, क्योंकि इमेज से प्रोवाइड करने पर ये काफ़ी अच्छा बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेंगे एंड उस प्रोजेक्ट में ये ऑटोमेटिकली बना देगा। तो हम लोग सबसे पहले एक टेम्पलेट चाहिए, हम लोग को किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। तो मान के चलो हमने एक वेबसाइट बनाना है जिसका एक लॉगिन पेज हमें बनाना है। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए हमें उसका टेम्पलेट चाहिए होगा, तो हम गूगल पे ही आएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन पेज टेम्पलेट्स। तो हमने सर्च कर लिया लॉगिन पेज टेम्पलेट्स। जैसे हमने सर्च करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट आ जाएगा जहाँ पर लॉगिन पेज का काफ़ी सारा टेम्पलेट्स है। तो हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं अपने के लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो मान के चलो हम लोग ने इसे खोलते हैं फ्री फ्रंट एंड एंड यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर अपने लायक का कोई लॉगिन पेज है। तो मैं इसे यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, देखो यहाँ पर बहुत सारा लॉगिन पेज है एंड इसमें से मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट कर लूँगा जो भी बेस्ट लगे मुझे। तो गाइस मुझे ये कुछ अच्छा लग रहा है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं इसे सेव कर लूँगा सेव इमेज करके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही, कंप्यूटर पे मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो अटैच फाइल का ऑप्शन है। आप अगर कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा, अगर मोबाइल में कर रहे हो वेबसाइट के थ्रू तो आपको डेस्कटॉप मोड ऑन करना मैं रिकमेंड करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो तो आपको ईजिली ये विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको क्लिक करना है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे भी आपको बनाना है। अब यहाँ पर आप इसे इंग्लिश में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, हम लोग अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ
समझ में आए, तो मैं इसे कहूंगा कि तो गाइस मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है, एक इमेज प्रोवाइड किया, मैंने लिखा कि मुझे बिल्कुल एक ऐसा लॉगिन पेज चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए जो वर्किंग हो और बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम TWH एंड पासवर्ड भी TWH होना चाहिए। बस मैंने यहां पर स्टार्ट बिल्डिंग करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा एंड यहां पर देखते इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। अब यहां पर लोडिंग होना स्टार्ट हो गया, आप यहां पर असली मैजिक देखो क्या होता है। गाइस आफ्टर लॉगिन यहाँ पर बहुत सारा एक के आपको फीचर देखने मिलेगा, मैं इसको कट कर देता हूँ, आप आराम से इसको एक एक करके पढ़ लेना जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके अब यहाँ पर मुझे देखो AI ने कुछ लिख करके दिया, व्हाट यू लाइक एनी ऑफ दिस एडिशनल फीचर्स ऑल्सो मेक चेंजेस लेटर। तो यहाँ पर ये वो बाद में भी चेंजेस कर सकता है एंड अभी भी आप अगर इसमें से कुछ इंप्लीमेंट करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो इंप्लीमेंट कैजुअल यूजर रजिस्ट्रेशन मैं करना चाहता हूँ, ऐड फॉरगेट फंक्शनैलिटी मैं करना चाहता हूँ, इनहैंस सिक्योरिटी फीचर मैं करना चाहता हूँ, ऐड रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी ये भी करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर ही यहाँ पर अप्रूव प्लान एंड स्टार्ट के ऊपर मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा। देखो जैसे मैंने आपको कहा AI जैसे आपने जो प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग बनाता है, लेकिन ये सवाल पूछता है जैसे कि एक एजेंट पूछता है। तो अब यहाँ पर इसने स्टार्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया, रिव्यू कर रहा है चैनल को, काफी सारा सोचने के बाद ये कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया एंड भाई इतनी ज्यादा स्पीड में लिखता है। और सबसे खास बात ये है कि ये देखो खुद ही ये हर एक चीज का खुद से ही फाइल्स भी बना रहा है, हर एक चीज का, हर एक कोडिंग का खुद से फाइल भी बना रहा है। ओके गाइस तो देखो ये स्क्रीनशॉट देना स्टार्ट कर दिया कि कुछ इस तरीके का लॉगिन पेज दिखेगा। तो मैं इसे कहूंगा कि ये अभी तक सही नहीं है, यहाँ पर देखो फीचर इसने डाल दिया है सबमिट का लेकर के, लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत कुछ मिसिंग है क्योंकि अगर मैं इस AI में देखूँ तो ये इसका पर्पल जो बैकग्राउंड कलर है वो पर्पल में है एंड इसमें एक ह्यूमन आ रहा है 3D में, तो मैं इसे यही कहता हूँ। तो इसका रिस्पॉन्स भी आ गया है एंड हम लोग जस्ट वेट करते हैं कि क्या चेंजेस करता है ये। तो गाइस अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने लगा है, लेकिन अभी भी ये पूरा तरीके से टोटल नहीं हुआ। तो अभी भी हम इसे एक कमांड देंगे जिसमें बोलेंगे। तो गाइस मैंने इसे प्रॉम्प्ट लिख करके दे दिया, अभी भी ये वैसा नहीं लग रहा है और साथ ही में इसमें 3D कैरेक्टर लोड नहीं हुआ और भी अच्छा बनाओ। तो मैंने इसे करके सेंड कर दिया, अब वापस से थिंकिंग करेगा थोड़ा सा सोचेगा एंड यहाँ पर ही फिर से इसे बिल्ड करना स्टार्ट करेगा क्योंकि देखो अब वो काफ़ी पहले से बेहतर लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसने रिस्पॉन्स दिया ठीक है, मैं लॉगिन पेज और बेहतर बनाऊंगा और मैं 3D कैरेक्टर को SVG से इम्प्लीमेंट करूंगा और बैकग्राउंड को भी बिल्कुल रेफरेंस इमेज की तरह जैसा करूंगा। तो हम लोग वेट करते हैं कि ये कैसा बनाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले से काफ़ी अच्छा बना दिया था। तो हम लोग वेट करते हैं और ये कितना कुछ अच्छा बना सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये इसे सजेस्ट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल AI की तरह नहीं है, AI एजेंट की तरह। देखो बार बार ये रुक रुक के पूछे सवाल, ये देखो ये एरर आया, इस एरर को सॉल्व करेगा, कुछ इंस्टॉल करेगा, उसके फिर से लिखेगा, फिर से हमें दिखाएगा एंड ये हमें दिखाया, ये देखो। तो अभी भी ये काफ़ी वैसा नहीं है, 3D इमेज बन रहा है लेकिन 3D इमेज खास नहीं लग रहा है। तो हम इसे 3D इमेज हटवा देंगे। तो गाइस इस बार मैंने इसको कमांड दिया है एंड इस वाले इमेज का जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसका मैंने इसे लिंक दे दिया है और इसमें बोला कि इस इमेज को ध्यान से देखो और इसमें दो सर्कल है, लॉगिन फॉर्म ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ दो सर्कल है एंड लॉगिन फॉर्म ट्रांसपेरेंट। अब मैंने इस वाले कैरेक्टर का यहाँ पर ही इसे लिंक कैसे दिया, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर डेमो एंड कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर इसे मैंने इसे अपना कोड कॉपी नहीं किया, बस मैंने इसका इस वाले हिस्सा का ये दिखा कर ध्यान से देखो तो PNG है जो कि इसका ही लिंक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक नया इस पर ओपन करके तो ये रहा PNG। तो मैंने बस इसे अपलोड किया एंड इसे सेंड कर देते हैं, अब इसको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा उस PNG को लिखने के लिए। तो इसने अपने ये कमांड लिख कर दे दिया, मुझे समझ में आ गया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि भैया ये कैसा बनाता है, किस तरीके से बनाता है, थोड़ा सा वेट करते हैं एंड इसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। देखो ये फिर से प्रॉब्लम आने लगा, इसे सॉल्व करेगा, वो कुछ इंस्टॉल करेगा एंड वापस से कुछ बनाएगा, कुछ चेंजिंग करेगा एंड लेट्स सी कि ये क्या करता है इसमें। तो इसने देखो अभी काफ़ी कुछ सुधार दिया है, लेकिन अभी भी हमें सुधारना है कि जैसे कि ये इमेज इस लॉगिन फॉर्म में आना चाहिए एंड पीछे का बैकग्राउंड को ध्यान से देखना है, तो हमें इसको लिख करके देना पड़ेगा जो। तो गाइज मैंने इसको प्रॉम्प्ट लिख कर दिया है कि ये 3 जो कैरेक्टर है जो वो इनसाइड फॉर्म रखो और बैकग्राउंड भी सही नहीं है और हाँ इमेज को ध्यान से देखो, इसमें दो सर्कल है जो बिहाइंड द लॉगिन फॉर्म है। तो हम इसे वापस से उस इमेज को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इसे याद रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया एंड इसे कर दिया मैंने सेंड। अब थोड़ा सा वेट करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आंसर आता है इसका, क्या ये चेंजेस करता है इस बार। तो हम लोगों को वेट करना है। देखो ये बार बार एक AI क्या होता है, आपने लिख कर दे दिया, वो टोटल कमांड लिख कर दे दिया, वो पूछता नहीं है, लेकिन ये पूछता है बार बार कि आप देखो क्या यह सही है नहीं है, क्या चेंजेस करना है, वो आपको बार बार रुक रुक के पूछता है। जैसे कि एक AI एजेंट, जैसे कि आपको एक डेवलपर पूछता है कि भाई मैंने इसे यहाँ कर दिया, आप बोलोगे कि नहीं इसे AI कैरेक्टर यहाँ नहीं करके लॉगिन फॉर्म के अंदर रखो। तो ऐसे बिल्कुल आपको इसे समझाना पड़ेगा जैसे कि आप एक डेवलपर को समझाते हो। तो इसने ये अपना काम स्टार्ट कर दिया है एंड भाई साहब आप ये देख सकते हो, बूम, आप देखो ये अब काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसा ही हो गया है।
अब इसमें अच्छा यहाँ पर आप फ्री में यूज़ कर रहे हो तो आपको ये बताएगा कि भैया आपने डेली का इतना यूज़ कर लिया चेक पॉइंट, तो हमें इसे जल्दी ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप देखो तो अब बिल्कुल वैसे ही लगभग बन चुका है, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ प्रॉपर सर्कल है, लेकिन इसने प्रॉपर सर्कल ना देकर कुछ ऐसा सर्कल दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा बन चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें हम लोगों को अब एनिमेशन चाहिए, तो हम इसमें करेंगे कि इसमें एनिमेशन भी होना चाहिए, तो हम लोग इसे लिखते हैं। तो गाइस मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, जैसे कि उसमें लिखा मैंने इसमें एनिमेशन होना चाहिए बटन में, और 3D कार्टून, ये 3D कार्टून में जाके कोई वेबसाइट ओपन करे तो एनिमेशन के साथ ओपन हो, और यूज़र नेम के और यूज़र नेम बटन में कुछ एनिमेशन दो, और इसमें सामने में पासवर्ड के साथ भी वही करो, एंड हाइड का जो बटन इसमें नहीं है, मिसिंग है, वो मैंने बोला है। ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, वो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना या फिर आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये मैंने दे करके मैं इसको कर देता हूँ सेंड, एंड चेक करते हैं कि अब ये क्या चेंजेस करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 50% यूजेस हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपका इससे ज़्यादा यूजेज हो जाता है तो आपको अपग्रेड करने बोलता है, हालांकि ये डेली के बेसिस पे ये चेंज होता रहता है, हमारे डेली के बेसिस पे आपको 10 यूजेस मिलता है। तो अब हम लोग वेट करते हैं, एंड यहाँ पर देखो ये एनिमेशन के लिए तैयार हो गया है, एंड ये काफ़ी कुछ चेंजेस करेगा। अब हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या चेंजेस करता है और क्या खूबसूरत बनता है वेबसाइट में, तो हम लोग वेट करते हैं। तो गाइस मैंने इसमें लिखा कि ऐड फॉरगेट फंक्शन, और यहाँ इसका बैकग्राउंड भी एनिमेशन भी ऐड करो, और इनसाइड 3D इसमें ओपन इफेक्ट डालो, मानी कि इसमें कुछ इफेक्ट नहीं है, तो इसमें मैंने इफेक्ट बोला है, एंड मैंने बोला कि वेबसाइट ओपन होते ही पॉपअप फीचर ऐड करो, जिसमें ये जो लॉगिन फॉर्म हो पॉपअप के साथ फीचर हो। एंड इसको मैं अभी और याद दिला देता हूँ कि बैकग्राउंड में, तो मैंने लिख दिया कि बैकग्राउंड में बहुत अच्छा इफेक्ट दो। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, एंड लेट्स सी क्या करता है ये, क्या चेंजेस करता है। तो देखो ये कुछ ऐड किया था जिसमें बहुत सारा दिक्कत आने लगा, तो इसको सॉल्व कर रहा है अभी ये, एंड सॉल्व करने के बाद अब मुझे ये स्क्रीनशॉट देगा। एंड भाई देखो ये काफ़ी अब ऑसम लगने लगा है, अब वेबसाइट ओपन होते हुए ये देखो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है, एंड यहाँ पे देखो ये अब बैकग्राउंड में काफ़ी एनिमेशन आ चुका है, जैसे कि ये आप यहाँ देख सकते हो ये कुछ ऐसा आ गया है। अब इसे ना चाहते हुए मैं कह सकता हूँ कि कुछ स्पेस वाली, ये देखो अब मेरे यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी 8 हो चुका है, मैंने 2 ही हमारे पास टास्क बचा है। लेकिन फॉरगेट क्या फीचर ऐड हुआ है, बिल्कुल फॉरगेट फीचर भी ऐड हो चुका है, एंड बट इस वाले चीज़ में एनिमेशन आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स सी क्या क्या चेंजेस हुआ है। ओके एनिमेशन आ चुका है, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि मुझे बैकग्राउंड में, तो मैंने लिखा कि मुझे बैकग्राउंड में स्पेस वाला फीलिंग चाहिए जिसमें एनिमेशन भी हो, तो हम ये सब करके लिख करके सेंड कर देते हैं, एंड अब देखते हैं कि क्या चेंजेस करता है। ऑलरेडी वेबसाइट काफ़ी ऑसम बन चुका है, एंड मैं इसे आपको दिखाऊंगा कि आप इसे होस्ट कैसे कर सकते हैं। देख लो भाई कि मैंने कुछ नहीं किया है, हाँ ये इसमें इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, दैट्स वाई अगर आप चाहते तो इसे बना सकते तो बहुत टाइम लगता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जैसे इसको इसका URL पेस्ट किया एंड उसका इमेज प्रोवाइड किया, वो भी एक बार में, दूसरा बार में कुछ भूल गया था तो वापस से मुझे सेंड करना पड़ा उसके इमेज, ताकि ये समझ पाए अपने आप को दिमाग से कर पाए। अब ये देखो यहाँ पर बोल रहा कि मैं बैकग्राउंड में स्पेस थीम के साथ एनिमेशन ऐड करूँगा, जिसमें स्टार ट्विंकल करेंगे और फ्लोटिंग प्लाने पर्टिकुलर पार्टिकल्स, फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे विद ब्यूटीफुल इफेक्ट्स। तो लेट्स सी क्या चेंजेस होता है बैकग्राउंड में। तो भाई ऑलरेडी देखो काफ़ी ऑसम लॉगिन पेज हो गया। अब बताओ कि ऐसे डेवलपर को इस चीज़ को बनाने में क्या 20 मिनट लगता, 30 मिनट लगता, बिल्कुल नहीं भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अब अगर आप वेबसाइट बनाने हो ना, या बिल्कुल आपको कोडिंग नॉलेज नहीं है, तो आप इससे पूरा वेबसाइट भी डिजाइन करवा सकते हो। अगर आप वेबसाइट बनाने वाले हो तो आप चाहो तो भैया इससे कोड ले सकते हो अपने वेबसाइट में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ से आप कोड डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से इसे होस्ट कर सकते हो, डाउनलोड ना करना चाहो फंक्शन वाला आप इसे चीज़ होस्ट भी कर सकते हो। तो अभी वेट करते हैं इसका चेंजेस देखते हैं कि यह चेंजेस क्या करता है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी फिर से चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया है, फ्लोटिंग में ये कुछ ऐड करने लगा जो बता रहा है मुझे कि मुझे ये सब चीज़ ऐड करना है, एंड यहाँ पर कुछ ऐड किया फीचर्स में आया, एरर हुआ उसे सॉल्व किया, स्टार्ट किया एप्लीकेशन, एंड अब हमें ये देगा एक स्क्रीनशॉट, एंड स्क्रीनशॉट में कुछ पता नहीं चलेगा ऑब्वियसली, लेकिन अब ये चेंजेस करेगा, तो ये अब हमको ओरिजिनल वाली चीज़ देगा। एंड यू कैन सी कि भाई अब ये काफ़ी ऑसम लग रहा है, अगर मैं इसे ओपन करूँ सुनाओ अब काफ़ी बेहतर बन चुका है। तो अब मैं इसे कर बोल देता हूँ कि सब कुछ सही है। अब अगर मैं इसे रन कर, अब मैं इसे कहूँगा कि इसे रन कर दो, सब कुछ सही है, अब इसे रन कर दो, या फिर होस्ट कर दो, आप इसे रन भी कर सकते हो, होस्ट भी कर सकते हो। तो ये जैसे ही मैंने इसको ये दिला, तो अब देखो ये क्या चेंजेस करता है।
तो ये रिव्यू मैसेज करेगा, फिर उसको थिंकिंग करेगा, क्योंकि हर चीज़ का। चलो रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये सब सही वर्किंग कर रहा है या नहीं। वापस से रन किया, ये स्क्रीनशॉट दिखाया कि आपका स्क्रीनशॉट कुछ ऐसा है। अब वापस से इस वेबसाइट को रन करेगा, तो यहाँ पर ही 3, 2, 1 देखो यहाँ पर फ्री लिख करके आ रहा है, डिप्लॉय कम्प्लीट लॉगिन पेज एप्लीकेशन, ये कर दिया, रनिंग कर रहा है एंड ये भी पोज कर दिया। क्या न्यू बैकग्राउंड एनिमेशन विद स्टार और ट्रांजेक्शंस और रजिस्ट्रेशन फॉरगेट फंक्शनैलिटी सही काम कर रहा है? तो इसे हम लोग करने के लिए बोलेंगे हाँ, सब कुछ सही काम कर रहा था, तो हमने इसे हाँ कहा। तो हम वेट करते हैं अब थोड़ा सा, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। ग्रेट साइंस, तो यहाँ पर देखो ये सब कुछ एक बता दिया कि सब ग्रेट है। तो अब ये टाइम टू डिप्लॉय करेगा, सजेस्ट कर रहा है डिप्लॉइंग प्रोजेक्ट, टाइम टू डिप्लॉय, अभी टाइम को मैंने डिप्लॉय कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करेंगे एंड ये रहा डिप्लॉय का चीज़। अब मैं अगर आपको ध्यान से देखना है कि आप अब इसको नया पेज में देखना चाहो, तो यू कैन सी यहाँ पर ही, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ओपन विद ब्राउजर है, ओपन इन द ब्राउजर। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक नया लिंक जनरेट करेगा, एंड जैसे ही नया लिंक जनरेट करेगा तो ये रहा आपका वो प्रोजेक्ट। अब ये लिंक आप कहीं से भी इसमें जनरेट करोगे ना, किसी को भी सेंड करोगे, उस केस में भी कुछ बिल्कुल ऐसे ही वेबसाइट खुलेगा। अब बताऊँ कि ऐड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम रजिस्टर और फंक्शन चेक करेंगे, यहाँ रजिस्टर का आ गया, यहाँ पर कोई भी रजिस्टर कर सकता है या फॉरगेट कर सकता है अपने पासवर्ड का, बैक टू ये कर सकते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर ही कर लेंगे हम लोग लॉगिन, बाय डिफॉल्ट बोला था उसने TWH को ऐड कर दिया, तो हम लोग TWH एंड यहाँ पर पासवर्ड में भी हाइड एंड अनहाइड भी चेक कर लेंगे हम लोग TWH। तो अभी अनहाइड है, इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे तो TWH। अब हम लोग सबमिट करते हैं तो यू कैन सी इजिली ये हो जा रहा है, लेकिन इसके बाद कोई पेज नहीं है तो इस वजह से दिक्कत आ रहा है। तो अब यहाँ पर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है एंड ये अच्छे से काम भी कर रहा है। अब यहाँ पर ही अगर आप इसे रन करो, वापस से हम रन करते हैं, तो यहाँ पर ही अगर रनिंग बटन इनेबल हो गया है तो इसका मतलब इस प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करके इसे आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, ये शेयर हो गया। यहाँ पर इसे आप थीम चेंज कर सकते हो, लाइट कलर या प्रोफेशनली बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर इसे आप कंप्यूटर में चाहो, आईफोन में चाहो कैसा दिखेगा, मान के चलो मैं चेक कर लेता हूँ आईफोन प्रो 14 प्रो मैक्स में कैसा दिखेगा, तो अपने वेबसाइट का जो लॉगिन पेज है कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऐसा कुछ इस टाइप से दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। एंड जब लोडिंग होगा तो कैसा दिखेगा, तो लोडिंग होने पर कुछ अपना आईफोन वाली चीज़ में कुछ ऐसा दिखेगा, तो अच्छा फीचर्स है। तो हम लोग इसे हटा देते हैं एंड इसको फुल सर्च कर देते हैं एंड अब इसे हम लोग अपनी वेबसाइट में ओपन करते हैं, माने वेबसाइट में। तो ये ओपन हो गया है एंड ये रहा अपना लॉगिन पेज। अब बताओ कि इस वाले लॉगिन पेज में एंड इस वाले लॉगिन पेज में कौन सबसे अच्छा लग रहा है? ये पहले कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन इस AI से हम लोग ने थोड़ा बहुत चेंजेस करवाया एंड चेंजेस करवाने के बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है। ये इस वाले पेज को देखो और इस वाले पेज को देखो, तो ऑब्वियसली ये वाला पेज ज़्यादा खूबसूरत एंड अच्छा लग रहा है, इसमें एनिमेशन वगैरह वगैरह सब है। तो ये रनिंग भी हो रहा है एंड इसे अगर हमने कहीं शेयर भी किया तो वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। एंड अभी मैं बताता हूँ कि आप इसका कोड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में ओपन फाइल्स में, ओपन फाइल में जाना, तो यहाँ पर आपको सारा फाइल मिल जाएगा जो भी ये कोड लिखी है। अब लिखने के बाद अगर आप यहाँ 3 डॉट के पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हैज ज़िप फाइल अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर न्यू फोल्डर बना सकते हो, इसे हाइड कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड सकते हो। अब अगर आप इसे चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो HTML, CSS या जावा में, लेकिन अभी हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते ड्यू टू हम लोगों का पूरा यूजेस हो चुका है। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं वापस से तो हमें इसे कहीं ना कहीं कल का वेट करना होगा, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद से आपको फिर से एक्सेस मिल जाता है, आप इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस फिर से कर सकते हो, तो हम लोग को अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी खूबसूरत काफ़ी बन चुका है। तो आप देखो कि एक AI कितना पावरफुल है कि जस्ट हमने एक इमेज प्रोवाइड किया एंड ये करा, अगर मैं इसे लिंक प्रोवाइड करता तो भी लिंक सेव कर देता एंड ये लॉगिन पेज को बना करके दे दिया। अब अगर आप चाहते हो कि इस AI का यूज़ करते हुए हमें एक लोग प्रॉपर वे में एक पूरा वेबसाइट बनाए, तो आप हमें बता सकते हो एंड हम इस AI का यूज़ करते हुए काफ़ी सारा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, टूल्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, एथिकल हैकिंग टूल्स भी बना सकते हैं इस AI का यूज़ करते हुए। तो आप बताना कि क्या उसके ऊपर हम लोग वीडियो लाए कि ना लाए। अभी आप देख सकते हो लॉगिन पेज ने ये काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिया है, तो इसे कहते हैं हम लोग AI एजेंट। AI एंड AI एजेंट में काफ़ी फर्क है, इसके तरह अभी तक एडवांस AI मैंने अभी तक नहीं देखा है, काफ़ी अच्छे से लिखता है। अगर मैं CSS जावा कहता तो CSS जावा में लिखता है। तो अभी इसने लॉगिन ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया है, अब अगर मैं स्टॉप कर दूँ तो ये फायदा होता है इस वाले AI का। अगर आप चाहते हो कि हम लोग इन फ्यूचर इससे भी काफ़ी कुछ अच्छा बना सके तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट डाउन एंड हम इसे इससे भी अच्छा चीज़ें बनाने की पूरा कोशिश करेंगे। तो बताओ आपको ये AI काफ़ी अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, इससे आप UI डिज़ाइन कर सकते हो, फ्री में बहुत कुछ कर सकते हो। तो बताओ आप क्या फ्यूचर में इसके रिलेटेड वीडियो देखना चाहोगे कि नहीं देखना चाहोगे, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना एंड इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक लेगा इस मिलते कोई नई वीडियो में कहीं नई टॉपिक के साथ, जब तक लेगा जय हिंद जय भारत।